अक्टूबर में 5G इंडिया में रोल आउट होने वाला है, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या आपके फोन में 5G सपोर्ट करेगा, और अगर करेगा तो कितने बैंड सपोर्ट करेगा। करना कुछ नहीं है, अपने फोन में जाओ, इंतजार खत्म हुआ। तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, इंडिया में फाइनली 5G आने वाला है। सो 5G ऑक्शंस इंडिया में खत्म हो चुके हैं। उम्मीद है कि अक्टूबर एंड तक 5G पूरी तरीके से इंडिया में रोल आउट हो जाएगा। बट जब से ये 5G ऑक्शन शुरू हुआ है, तब से हर कोई का यही सवाल है कि कौन कौन से फोन्स में 5G सपोर्ट करेगा। इस ऑक्शन में सबसे ज़्यादा बैंड्स रिलायंस जियो ने खरीदे हैं, एंड उन्होंने कुल मिलाकर 88,000 करोड़ की बिडिंग की है। ऑल्सो एनालिस्ट के मुताबिक रिलायंस जियो के पास जितने बैंड्स हैं उससे वो पैन इंडिया कवरेज दे सकता है। मजे की बात यह है कि जो जो बैंड्स जियो ने खरीदे हैं वो बैंड्स सपोर्ट करने वाले फोन्स ऑलरेडी मार्केट में आ चुके हैं। आई नो आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि क्या वो बैंड्स मेरे फोन में अवेलेबल हैं या नहीं। तो सवाल का जवाब जानने के लिए इस वीडियो को पूरा देखो। आप देख रहे हो फाइबर हिंदी, मैं हूं सिमरन आपके साथ। जियो ने मैक्सिमम नंबर ऑफ 5G बैंड्स खरीदे हैं, 700 MHz, 800 MHz, 1800 MHz, 3300 MHz एंड 26 GHz। मजे की बात यह है कि 5G आने से पहले ही 5G सपोर्टेड फोन्स मार्केट में आ चुके थे। शुरुआत में सिर्फ फ्लैगशिप फोन्स में ही 5G सपोर्ट आता था, अब धीरे धीरे मिड रेंज फोन्स में भी 5G सपोर्ट आने लगा। अब 5G जो बैंड्स है वो आपके फ़ोन में N सीरीज से अवेलेबल होंगे, N सीरीज से स्टार्ट होंगे, जैसे कि N5, N28, N3, N77। पैन इंडिया में जो 5G अवेलेबल होगा वो होगा 700 MHz से, विच इज़ N28। अब मुद्दे की बात कि अपने फ़ोन में कैसे पता लगाएं कि कितने बैंड्स मौजूद है, और जो बैंड्स मौजूद है वो 5G सपोर्ट करेंगे या नहीं। बहुत सिंपल तरीका है। सो बेसिकली अपने फ़ोन के कंपनी के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाओ। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका फ़ोन सैमसंग का है या शाओमी का है तो उनके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाओ, वहाँ पर अपने फ़ोन का मॉडल नेम से सर्च करो। अगर आपका M सीरीज से कोई फ़ोन है, फॉर एग्जाम्पल सैमसंग गैलेक्सी M53 है, तो वो नाम सर्च करो एंड उसके स्पेक शीट में जाओ। स्पेक शीट में जैसे ही जाओगे, नीचे कनेक्टिविटी वाला जो सेक्शन होता है ना, जिसे हम अक्सर इग्नोर कर देते हैं, उस कनेक्टिविटी वाले सेक्शन में जाओ एंड वहाँ पर जो बैंड्स दिए हुए हैं वो जाकर पढ़ो कि N28 है कि N5 है कि N3 है, एंड इसे पता चल जाएगा कि कितने बैंड्स आपके फ़ोन में मौजूद है। है ना सिंपल तरीका, काफ़ी सिंपल आई वुड से। तो वेट किसका करो, फटाफट से जाओ चेक करो एंड मुझे कमेंट करके बताओ कि आपके जो 5G फोन्स है उसमें ये 5G बैंड्स मौजूद है या नहीं। मिलते हैं अगले वीडियो में, चलते हैं, बाय बाय।